आपने कई तरह के जश्न देखे होंगे और कई तरह की पार्टियां भी देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी नेता ने जीत की खुशी में या शर्त के तौर पर शराब बांटी हो? जी हाँ, कर्नाटका के चिकबल्लापुर से बीजेपी के सांसद के सुधाकर ने अपनी लोकसभा जीत के जश्न में एक पार्टी का आयोजन किया, लेकिन ये पार्टी सुर्खियों में आ गई। इसकी वजह यही कि यह इस पार्टी में खुलेआम शराब परोसी गई और बांटी गई। ट्रकों में भरकर लाई गई शराब की बोतलों को लेने के लिए लोगों ने लंबी कतारें लगा ली। सबसे दिलचस्प ये है, सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में होता रहा और उनके सुरक्षा घेरे में होता रहा। ANI द्वारा जारी एक वीडियो में लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करते दिखे। शराब की बोतल तरीके से बांटी जा रही थी, जिसे लेने के लिए कई बुज़ुर्ग भी लाइन में लगे हुए थे। यही नहीं, के सुधाकर ने पुलिस को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की मांग की थी और स्पष्ट रूप से ये भी बताया था कि पार्टी में शराब बांटी जाएगी। भाजपा नेता की ओर बीजेपी पुलिस विभाग को लिखी गई आधिकारिक चिट्ठी में कहा गया, दोपहर 12:30 बजे से स्टेज कार्यक्रम शुरू होगा और खाने और शराब की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि बेंगलुरु ग्रामीण की पुलिस अध्यक्ष शिव के बाबा ने आयोजकों से कार्यक्रम में शराब न परोसने को कहा और चेतावनी दी कि उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा, पुलिस ने प्रतिबंध लगाए थे और आयोजकों से कहा था कि वो कार्यक्रम में शराब न परोसें। उन्हें यह भी बताया गया था कि अगर उन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। हालांकि उन्होंने शराब परोसने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट से अनुमति ली थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस का कोई गलती नहीं है और एक्साइज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। के सुधाकर ने लोकसभा चुनाव में चिकबल्लापुर सीट से कांग्रेस के MS रक्षा सौम्या को 150,000 वोट से ज़्यादा से हराया है। चिकबल्लापुर कर्नाटका की 28 लोकसभा सीटों में से एक है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।